अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वी हैव डिस्कस्ड ईएसपी एंड इट्स बैकग्राउंड, इट्स टाइप्स एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन ईएसपी एंड ईजीपी। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ईएसपी कोर्स डिज़ाइन। वी कैन कॉल इट कंपोनेंट्स ऑफ ईएसपी कोर्स डिज़ाइन एज वेल, एंड वी कैन कॉल इट ईएसपी कोर्स डिज़ाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So it is incorporated of five steps. So the first step is needs analysis. Needs analysis में हमने क्या करना होता है? Needs analysis जो है एक broader term भी है, एक broader topic भी है, एक full topic भी है we can say। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसके अंदर हम ये करते हैं, जैसे एक लर्नर है हमारे पास और वो लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है, तो हमने उसकी नीड्स का एनालिसिस करना है कि वो क्यों सीखना चाह रहा है, किस प्रोफेशन में सीखना चाह रहा है, उसको पहले किन किन चीज़ों का पता है और उसको किन किन चीज़ों का नहीं पता, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है अपनी लर्निंग के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से। स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बचपन में अपनी लर्निंग को लेके काफ़ी ज़्यादा उनको बीट किया जाता है, जिसकी वजह से उनके माइंड के अंदर एक खौफ बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी लर्निंग में 100% नहीं दे पाते। सो ये चीज़ होती है नीड्स एनालिसिस में एनालाइज होती है, जैसे कि कंडक्टिंग ए थोरो नीड्स एनालिसिस एसेंशियल टू आइडेंटिफाई लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, स्पेसिफिक लैंग्वेज नीड्स, कम्युनिकेटिव टास्क एंड गोल्स विद इन देयर स्पेशलाइज्ड फील्ड। नीड्स एनालिसिस जो है वो एक असेंशियल स्टेप है, ठीक है, जिसके अंदर हम थोरोली एनालाइज करते हैं, जो कि मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, लर्नर की प्रोफिशिएंसी को, उसकी लैंग्वेज नीड्स को, उसकी कम्युनिकेटिव टास्क को, ठीक है। और उसके बाद नीड्स एनालिसिस जो है ये हेल्प करता है, ठीक है, एक ईएसपी कोर्स को डिज़ाइन करने में। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, एंड द सेकेंड स्टेप इज़ ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्टेंट सिलेक्शन। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स को और कंटेंट सिलेक्शन जो है कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि टीचर ने अपने माइंड के अंदर ये एक चीज़ रखी होती है कि ये चीज़ें मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है, ठीक है, और एट द एंड टीचर जो है वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, असेसमेंट के ज़रिए कि लर्नर ने वो चीज़ सीख ली है या नहीं सीखी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो हमने ये अपने माइंड के अंदर रखते हुए हमने अपने ईएसपी के कोर्स को डिज़ाइन करना होता है, जैसे कि लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दी नीड्स एनालिसिस क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आर सेट टू एड्रेस लर्नर स्पेसिफिक लैंग्वेज नीड्स एंड गोल्स। यानी हमने नीड्स एनालिसिस को एनालाइज करते हुए, ठीक है, हमने ये देखते हुए कि लर्नर्स की नीड क्या है, हमारे लर्नर की नीड क्या है, उसके बाद हमने जो है कोर्स के ऑब्जेक्टिव को, यानी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और हमने ये चीज़ें जो है ये हमारा गोल है लैंग्वेज को लेके। उसके बाद हमने कोर्स को सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट करना है, अगर वो बिज़नेस फील्ड से रिलेट करता है हमारा जो लर्नर है, तो हमने बिज़नेस के रिलेटेड कंटेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर वो मेडिसिन की फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो हमने मेडिसिन की फील्ड के रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स में और कॉन्टेंट सिलेक्शन में। पी कोर्स डिज़ाइन का जो थर्ड स्टेप है वो है मेथोडोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। फिर हमने मेथड जो है वो डिसाइड करना होता है, ठीक है, नीड्स एनालिसिस के बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट सिलेक्शन करनी होती है, उसके बाद हमने मेथोडोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन करना, इंस्ट्रक्शनल जो है वो डिज़ाइन करना होता है। इसका मतलब यह है कि हमने किन मेथड्स के ज़रिए पढ़ाना है, कौन से इंस्ट्रक्शनल चीज़ें जो है हमने यूज़ करनी है अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है, ठीक है, हमने परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग करवानी है, उनको कंटेंट बेस्ड करवानी है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करती हैं। डिटरमाइनिंग एन इफेक्टिव मेथोडोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ क्रूशियल टू एंगेज लर्नर्स इन मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज़ एंड स्किल डिवेलपमेंट। वेरियस अप्रोचेज सच एज टास्क बेस्ड लर्निंग, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कॉन्टेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन और अदर रेलिवेंट मैथड्स कैन बी एम्प्लॉयड टू क्रिएट इंगेजिंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क दैट प्रमोट लैंग्वेज एक्विजिशन विद इन लर्नर स्पेशलाइज्ड डोमेन्स। तो ये वही चीज़ आ जाती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर हमने डिसाइड करना आता है कि हमने लर्नर्स के स्पेशलाइज डोमेन के अंदर जो हमने लैंग्वेज उनको सिखानी है, उन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनमें इंगेज होनी चाहिए, किस तरह से हमने उनको सिखाना है, कौन सी मेथोडोलॉजी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, कौन से इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हमने उसके अंदर यूज़ करना है लर्नर को सिखाने के लिए। फोर्थ चीज़ जो हम करते हैं ईएसपी कोर्स डिज़ाइन में वही है कि ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। इसके अंदर जो है हमने ऑथेंटिक मटेरियल्स और रिसोर्सेज जो हैं
उनको इनकॉर्पोरेट करना होता है, ठीक है, जो कि रियल वर्ल्ड लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती हैं, यानी उनका जो एकेडमिक और प्रोफेशनल डोमेन है उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जिस जिस जगह पे लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है उससे रिलेटेड हमने मटेरियल और रिसोर्सेज जो हैं इसके अंदर शामिल करने होते हैं अपने ESP कोर्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि इनकॉर्पोरेटिंग ऑथेंटिक मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज इज़ वाइटल टू एक्सपोज लर्नर्स टू रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज विद इन देयर प्रोफेशनल और एकेडमिक डोमेन्स। ऑथेंटिक मटीरियल्स में इंक्लूड एकेडमिक आर्टिकल्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज़ और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स। सो ये वही चीज़ आ गई है कि हमने अब जो हमारा लर्नर है उसके प्रोफेशनल और एकेडमिक फील्ड के अंदर हमने जो लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो उसके रिलेटेड हमने मटेरियल और रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेट करने हैं, जिसके अंदर शामिल है एकेडमिक आर्टिकल्स अगर वो एकेडमिक फील्ड से बिलोंग करता है, अगर वो बिजनेस फील्ड से या किसी प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करता है तो उससे रिलेटेड हमने मटेरियल ऐड करना है, जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज़, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उसका जो स्पेसिफिक फील्ड है उससे रिलेटेड हमने ऐड करनी होती है। अगर दीज मटीरियल्स प्रोवाइड लर्नर्स विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अथेंटिक लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू दी लैंग्वेज यूज इन देयर स्पेसिफिक फील्ड्स, यानी ये उनको बताता है कि इस तरह से लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही है उनके स्पेसिफिक फील्ड में, और वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो इसको इस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें और इस लैंग्वेज को सीख लें। और जो लास्ट स्टेप है वो है असेसमेंट एंड फीडबैक, जिसके अंदर हमने हमारा जो लर्नर है उसकी एबिलिटीज़ को असेस करना होता है, ठीक है, और हमने देखना होता है उसने कितना सीख लिया कितना नहीं सीखा, और फिर हमने इस चीज़ का एक फीडबैक देना होता है, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आती है, इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड होते हैं असेस करने के लिए, डिफरेंट टीचर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं और हर फील्ड के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किया जाता है। तो यही चीज़ जो है ESP कोर्स डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से असेसमेंट और कौन सा फीडबैक उन्होंने यूज़ करना होता है। तो इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है, राइटिंग असाइनमेंट्स होती हैं, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्ट्स होते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट होती है जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव असेसमेंट एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स अलाउज फॉर मॉनिटरिंग लर्नर्स प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट। वेरियस असेसमेंट मैथड्स सच एज परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रेजेंटेशंस, राइटिंग असेसमेंट्स और स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्ट कैन बी इम्प्लॉयड टू इवेलुएट लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशंसी, यानी इन सबको यूज़ किया जाता है एक लर्नर की लैंग्वेज प्रोफिशंसीज को टेस्ट करने के लिए एंड देयर अचीवमेंट ऑफ द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, और जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और उनकी जो उन्होंने अचीव किया है अपने कोर्स के ज़रिए, ठीक है, जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव था, यानी जो टीचर्स ने जो इंस्ट्रक्टर ने पहले चीज़ डिसाइड की थी कि ये कोर्स कम्प्लीट होने के बाद ये चीज़ स्टूडेंट को आती है, क्या वो उस चीज़ के ऊपर पूरा उतरे हैं, क्या उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है। सो ये इसके अंदर असेस किया जाता है। सो ये बेसिक चीज़ें थी, ये 5 स्टेप्स थे जो ESP कोर्स डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये 5 स्टेप्स जो हैं और इनके ज़रिए ESP कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। सो अल्लाह हाफिज़।